हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी होमर आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट टू जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन मतलब दिखाई देने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फेसेस सम डिफिकल्टी इन सीइंग प्रॉपरली कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ आई तो ऐसी कंडीशन जिसमें किसी पर्सन को प्रॉपरली सीइंग में प्रॉब्लम होती है प्रॉपर दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम होती है कोई डिफिकल्टी फेस करता है उस प्रॉब्लम को या उस डिफ़िकल्टी को कहा जाता है उस कंडीशन को कहा जाता है आई डिफेक्ट या डिफेक्ट ऑफ आई अब बात करते हैं कितने टाइप की होती है तो देर आर मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट पहला है मायोपिया सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड है प्रेस बायोपिया वैसे तो कुछ और भी टाइप्स होते हैं आई डिफेक्ट के बट आपके एन बुक्स में क्लास टेंथ की यही तीन दिए हैं और इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम लोग इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे पहले बात करते हैं मायोपिया के बारे में मायोपिया विच इज़ ऑल्सो कोल्ड शॉर्ट साइटेडनेस इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली तो एक ऐसी कंडीशन ऐसा काइंड ऑफ इफेक्ट डिफेक्ट जिसके अंदर किसी पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देते हैं बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं इस डिफेक्ट को कहा जाता है मायोपिया अब इसके नाम से समझते हैं देखिए शॉर्ट साइटेडनेस में वर्ड है शॉर्ट तो हमें इसमें शॉर्ट का दिखाई देता है मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं और दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना और इमेज इसमें बनती है रेटिना के सामने या रेटिना से पहले और हमें पता है रेटिना पर अगर कोई इमेज नहीं बनेगी तो हमें ब्लर्ड दिखाई देगा क्लियर दिखाई, दिखाई नहीं देगा अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ मायोपिया की कि क्या क्या कोजेज़ हैं मायोपिया के पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस आई लेंस में एक्सेसिव कर्वेचर कुछ बैंड आ जाता है आई लेंस में तो उस वजह से मायोपिया होता है सेकेंड इसका कॉज है इलोंगेशन ऑफ आई बोल आई बॉल में कुछ इलोंगेशन आ जाएगा इलोंगेट हो जाएगी साइज में इंक्रीज हो जाएगा इसके इंक्रीमेंट हो जाएगा ये दो कॉजेज हैं मायोपिया के अब बात करते हैं मायोपिया के करेक्शन की पहले डायग्राम से समझते हैं देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें गिवन है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई और हमें पता है फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होता है इंफिनिटी कितनी भी दूर की चीज़ को हम क्लियरली देख पाते हैं बट मायोपिक आई के अंदर इन्फिनिटी से कुछ पास आ जाता है फार पॉइंट ये फार पॉइंट है सेकेंड डायग्राम में आपका गिवन है मायोपिक आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई बट वो यहाँ इन्फिनिटी की कोई चीज़ देख रहा है तब उसकी इमेज फॉर्म होगी रेटिना से पहले मतलब यहाँ कहीं पे अब मुझे एक बात बताइए आप लोग अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है तो हम कौन से लेंस का यूज़ करें कि लाइट रेज यहाँ ना मिल करके यहाँ मिले मतलब इतनी डिस्टेंस और कवर कर ले तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है कौनकेव लेंस तो कौनकेव लेंस का यूज़ करेंगे तो जो लाइट रेज आ रही होगी इसको कुछ डाइवर्स कर देगा जिससे ये यह यहाँ मिलने के बजाय कहाँ मिलेगी रेटिना पे मिलेगी तो इस तरीके से करेक्शन किया जाता है इसका कॉन्केव लेंस से जो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं अब इसको नोट से समझते हैं इट इज डन यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्राइट पावर द फार पॉइंट ऑफ जो कि यहां पे ओ से डिनोट किया है हमने फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पे आ जाएगा फार पॉइंट सेकेंड है इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो इमेज बनेगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से पहले बनेगी रेटिना के सामने बनेगी सी है करेक्शन ऑफ मायोपिया द कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे तो इसकी इमेज रेटिना से पहले ना बन करके रेटिना पे बनेगी नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में विच इज़ ऑल्सो कोल्ड फार साइटेडनेस तो देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली मतलब जस्ट ऑपोजिट है मायोपिया का इसमें क्या होगा एक पर्सन को दूर की चीज़ें दिखाई देगी और पास की चीज़ें दिखाई नहीं देगी इसके नाम से देखिए फार साइटेडनेस मतलब फार की चीजें दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती है और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस अब इसमें नियर पॉइंट द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे हमें पता है नियर पॉइंट कितना होता था ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है नॉर्मल एडल्ट आई का मतलब ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं बट यहाँ हाइपर मेट्रोपिया वाली आइज़ के अंदर ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर की दूर पे अगर हम चीज़ को करके देखेंगे तब क्लियर दिखाई देगा एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना और यहाँ इमेज कैसी बनेगी रेटिना के पीछे बनेगी अब बात करते हैं कोजेज़ की कि हाइप हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है क्या इसके कॉजेज हैं तो पहला तो है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है सेकेंड है आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल जो आई बॉल होती है उसका साइज छोटा हो जाता है स्मॉल हो जाता है अब बात करते हैं करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया की किस तरीके से हाइपर मेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं इस डायग्राम से समझते हैं हम ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी जो कि नॉर्मल नियर पॉइंट होता है नॉर्मल एडल्ट आई का बट मायोपिक आई के अंदर ये कुछ दूर हो जाएगा मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा तो ये तो डायग्राम है नियर पॉइंट का सेकेंड है इमेज फॉर्मेशन का फॉर एग्ज़ाम्पल नियर पॉइंट ये है बट मायोपिक आई किसी इतनी डिस्टेंस की चीज़ों को अगर देख रही है तो उसकी इमेज बनेगी रेटिना के पीछे तो यहाँ कहीं रेटिना के पीछे बनेगी या बिहाइंड द रेटिना बोलेंगे हम इसे अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर जो इमेज पीछे बन रही है तो इधर कौन से लेंस का यूज़ करेंगे जिससे ये लाइट रेज डाइवर्ज होकर के यहाँ बने तो डाइवर्जिंग लेंस तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होगा जिससे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा और इमेज बनाएगा रेटिना के ऊपर जिससे रेटिना यहाँ बनेगी जिसे हम नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं इस डायग्राम में देखिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करने से जो इमेज बन रही है ब्रेटिना पे बनेगी जिससे दिखाई काफ़ी क्लियर देगा करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर कैन करेक्ट द डिफेक्ट तो करेक्ट पावर का अप्रोप्राइट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट आता है थर्ड प्रेस बायोपिया या इसे कहा जाता है ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू विच ड्यू टू लॉस ऑफ़ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई ये ऐसा एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें किसी एक ओल्ड पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते किस वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन की कमी की वजह से अब आपको पता है पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है लेंस की एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ लेंस आई लेंस अपने फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है इस एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन तो प्रेस बायोपिया के, के केस में ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है जिससे ओल्ड पर्सन को पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती इसीलिए इसे कहा जाता है ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम्स मच मोर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इस तरीके से नियर पॉइंट जो होता है वो बढ़ता जाता है और ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मतलब ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स तो पहले था उससे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर भी अब क्लियर दिखाई नहीं देगा उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पर पहुँच जाता है नीयर पॉइंट अब बात करते हैं क्या क्या कोजेज़ हैं प्रेस बायोपिया के तो पहला है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स सीलियरी मसल्स वीक हो जाती है जिससे लेंस की एबिलिटी कम हो जाएगी जिससे वो अपने फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा नहीं कर पाएगा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी नेक्स्ट आता है करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया किस तरीके से हम प्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं तो इसमें भी ये भी कैसा है फार साइटनेस जैसा है हाइपर है तो इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होगा सूटेबल पावर का समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर कभी कभी किसी एक ही पर्सन में दोनों टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं मायोपिया भी और हाइपर भी हाइपर भी तो देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं सच पीपल रिक्वायर बाय फोकल लेंस फॉर करेक्शन ऐसे लोगों को बाय फोकल लेंस की रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन के लिए बाय फोकल लेंस हैज़ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय फोकल लेंस ऐसा होता है जिसमें कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है ऊपर की तरफ तो इसमें कॉन्वे कॉन्केव लेंस होता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है जिससे पास का और दूर का दोनों तरीके के डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस की कि क्या क्या एडवांटेज हैं क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी आँखों का हमारे सामने होने के लिए इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यह हमें एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है हमें एक ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करता है जिससे हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं इट एनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स और फेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि धुंधली चीज़ों को एनहेंस कर पाता है क्लियरली दिखाई देता है हमें दोनों आँखों की वजह से इट प्रोवाइड्स थ्री डायमेंशनल व्यू और इसके अलावा हमें थ्री दिखाई देता है तो तीन बेनिफिट्स या तीन एडवांटेज क्या क्या हो गए लार्ज व्यू प्रोवाइड कर रहा है क्लियर इमेज प्रोवाइड कर रहा है और थ्री इमेज प्रोवाइड कर रहा है तो ये था हमारा इस टॉपिक का आज की हमारी वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू